प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 14वां पाठ दोहे कर रहे थे। तो दोहों के बारे में हमने आपको बताया था, ये भले दो पंक्तियों के होते हैं लेकिन इनमें जीवन का सार छुपा होता है। और जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे पाठ में कबीर के और रहीम के दोहे दिए गए थे। तो हमने अब तक दो दोहों को पढ़ा है, उनकी व्याख्या मैंने आपको लिखवाई है और मैं चाहूँगा आप भी इन दोहों को, जो शेष दोहे आज हम करने वाले हैं, उनको आप लिखें, समझें और उनकी व्याख्या को लिख भी लें, ताकि जो पाठ के प्रश्न हैं हम आसानी से उसे हल कर सकें। पाठ के एक प्रश्न में तो हमें दोहों का अर्थ भी बताना है, तो वह प्रश्न भी हमारे साथ ये साथ का साथ हल हो जाएगा। तो इसके अंदर दोहे के बारे में मैंने बताया था, रहीम और कबीर। कबीर का तो जन्म वाराणसी में ही हुआ था, लहरतारा जो स्थान है, तालाब है कहा जाता है, वे वहाँ पाए गए थे। और नीरू और नीमा नाम के जुलाहों जो पति पत्नी थे, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। और कबीर जीवन भर लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए सीख देते रहे। उन्होंने धर्म, जाति, भाषा के बंधन से ऊपर उठ करके सभी लोगों को मानवता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। और वे फकीर थे, फकीर मतलब जो एक स्थान पे नहीं टिकते थे, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, लोगों को प्रेरित करना, चाहे वो विद्यार्थी क्यों ना हो। और जैसे कि इसमें दो जो दोहे हैं कबीर के, वो विद्यार्थियों के लिए एकदम उपयुक्त है। एक है, काल करे सो आज कर, समय की महत्ता बताई गई है, समय का महत्व बताया गया है। और हमने दो चीज़ और बताया था आपको, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास का भी महत्व बताया गया। तो विद्यार्थी को समय का पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और परिश्रम के बारे में भी बताया गया। हमने यही दो अभी दोहे किए थे, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की पौन। इसमें परिश्रम के महत्व को बताया गया है कि बिना परिश्रम के तो न धन कमाया जा सकता है, न विद्या अर्जित की जा सकती है, और इन दोनों के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार उदाहरणों उन्होंने हाथ के पंखे के से उदाहरण दिया है कि जिस तरह बिना हिलाए डुलाए तो पंखे से भी हवा नहीं मिलती है, तो उसी प्रकार अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं या आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और एक मैंने अभी आपको बताया, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, प्रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो इसमें भी क्या है, अभ्यास के महत्व के बारे में बताया गया है कि चाहे वो विद्यार्थी हो, गायक हो, खिलाड़ी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अभ्यास करेगा तभी अपनी कला में निपुण हो पाए। तो अभ्यास का महत्व बताया गया है कि इसका जरा अर्थ, ये बहुत पहला हमारा दोहा है, मैं इसका आपको भावार्थ बता देता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करने से जो जड़मति मतलब मूर्ख व्यक्ति भी चतुर या बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास का महत्व क्या बताया गया है कि अगर हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से तो जो मूर्ख व्यक्ति है वह भी चतुर और बुद्धिमान बन सकता है। जिस तरह रसरी के आने जाने से जो रस्सी होती है, कुएं का उदाहरण मैंने आपको बताया था, कुएं के चबूतरे पे पत्थर लगाए जाते हैं लेकिन कुएं से पानी निकालते समय रस्सी जो है कुएं के चबूतरे के पत्थर से टकराती है और रस्सी के आने के जाने से वो पत्थर भी कट जाता है, उस पर निशान पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार इसका अभ्यास हो रहा होता है, रस्सी कभी
ऊपर से नीचे जा रही होती है, कुएं से पानी लेते समय बाल्टी को रस्सी में बांध कर नीचे भेजा जाता है और पानी भर जाने के बाद उसे ऊपर खींचा जाता है। तो आने जाने से, रस्सी के आने जाने से ही सिल मतलब चट्टान पर, पत्थर पर रस्सी का भी निशान पड़ जाता है, रस्सी भी कट करके वहाँ से निशान पड़ जाता है, जबकि पत्थर जो है, चट्टान है, वो बहुत मजबूत होती है। तो आज हम अपना तीसरा दोहा करेंगे। हमने ये दो पहले दोहे कर लिए हैं, आज हम अपना तीसरा दोहा करेंगे, और ये तीसरा दोहा भी हमारा कबीर जी का है, तो इसको बोला जाए, ये हमारा तीसरा दोहा था, और मैं इसको पहले दोहे को लिखूंगा, फिर हम इसका भावार्थ करेंगे। ऐसी बानी बोली बोलिए, मन का आपा कोई, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए, आपू शीतल होए। मैंने आपको बताया था जैसे शीतल को शीतल लिखा गया है, जो कबीर के जो दोहे थे उसपे बोलियों का काफी प्रभाव पड़ा है। दूसरी पंक्ति के बाद दो पूर्ण विराम रखते हैं, याद रखिएगा दोहे की ये पहचान होती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें बोलियों का काफी प्रभाव पड़ा है। कबीर के जो दोहे थे उसमें आप देखेंगे शीतल लिखा है, शीतल नहीं है, शीतल, और बहुत से वाणी को बानी बोला गया है, बानी, वाणी के लिए बानी बोला गया है, तो ये इसका हम कहेंगे बोलियों का भी काफी फर्क पड़ा है। और कबीर की जो भाषा थी वो खिचड़ी भाषा बोली जाती थी, वो एक जगह रुकते नहीं थे, जगह बदल बदल के लोगों को सीख देते हुए चलते थे, संतों का यही काम होता था, वे समाज में लोगों को जागरूक करते हुए चले जाते थे, एक जगह ज़्यादा अधिक देर तक नहीं टिकते थे, तो यही बताया गया है। तो इसमें हम, इसका अर्थ क्या है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा को, जो हमें ऐसी बात, ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए कि हम जिससे बोलने वाले को भी सुन करके और सुनने वाले को भी सुन करके उसे आनंद आए, उसे अच्छा लगे। हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए ताकि सुनने वाले को भी अच्छी लगे और जो बोल रहा है उसे भी वह वाणी पसंद आए, जो मन को प्रभावित करें, किसी को लगे ना, मधुर वाणी होनी चाहिए, सच्ची वाणी होनी चाहिए, औरन को शीतल करे, ये वाणी अगर जिसके लिए बोली जा रही है दूसरे उसको भी शीतलता प्रदान करे, उसको भी शांति दे, और जो बोल रहा है, जो मीठी वाणी बोलने वाले को भी संतुष्टि होती है कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, मैंने सबको अच्छे ही वचन बोले। तो ये दो तरफा फायदा होता है, अच्छी वाणी बोलने वाले को भी सुख मिलता है और सुनने वाले को भी सुख मिलता है, ताकि दोनों ही सुखी रहें। हमें किसी को कठोर बात, बुरी बात, लगने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, कहने का यही है अभिप्राय,
तो हम इसका अर्थ भी आपको बता देते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखवाया था। ऐसी वाणी बोली, अर्थ है हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी, वाणी को वाणी कहा गया है, वाणी बोलनी चाहिए चाहिए जिसे सुनकर, जिसे सुनकर सुनकर सभी मन में मन से प्रसन्न हो जाएं। यह वाणी सभी को, यह वाणी औरों को भी, ये वाणी दूसरों को भी, यहां पे शीतल करे, औरों को मतलब दूसरों को सुख या आनंद जो देती है, दूसरों को सुख या आनंद तो देती ही है परंतु, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, दूसरों को तो सुख या आनंद देती ही है, इसे बोलने वाला भी सुख या आनंद का अनुभव करता है, सुख या आनंद का अनुभव करता है अनुभव करता है। फिर से एक बार देखा जाए, इसको दोहे को याद कर लेते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप को शीतल होए। मतलब हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमारी वाणी या बोली, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर सभी मन से प्रसन्न हो जाए। यह वाणी दूसरों को सुख या आनंद तो देती ही है, उसे बोलने वाला भी सुख या आनंद का अनुभव करता है। तो बच्चों, ये था हमारा, हमें बोलने के बारे में उन्होंने उपदेश दिया, ज्ञान दिया कि हमारी वाणी जो होनी चाहिए, हमारी जो बोली होनी चाहिए, क्योंकि बोलियों से ही लोग, लड़ाइयाँ भी शुरू हो सकती हैं। आपने देखी होगी, अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो बातचीत ही की कहे ना। अगर आप किसी को प्यार से बोलोगे तो उसका जवाब भी वो प्यार से ही देगा। यही दुनिया का चलन है, ये बात हमें सीख लेना चाहिए। अगर आप किसी को सम्मान दोगे, आप किसी को आदर से बोलोगे, तो दूसरा जो सुनने वाला व्यक्ति भी है, वो भी मूर्ख नहीं है, वह भी आपको उतने ही सम्मान से
आपका उत्तर देगा। तो हमें यही काम करना चाहिए। कबीर ने यही बात इस दोहे से हमें सिखलाई है, सिखाई है कि हमें कैसे, हमें वाणी, हमारी बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। हमारी वाणी, यह वाणी का अर्थ है जो बोलचाल की, जो हमारी भाषा है कैसी होनी चाहिए। हमें सबसे, हमें कैसी बोलनी चाहिए, हमें हमारी वाणी से हमेशा हम कहें मधुरता ही निकले। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए। हमें हमारी वाणी ही हमें और दूसरों को, इसका दो तरफा असर होता है। एक तो हमें भी, अगर हम भी किसी को गुस्से में बोल देते हैं तो ये तकलीफ हमें भी होती है, अभी नहीं कुछ समय के बाद, और सुनने वाले को तो उसी समय ये तकलीफ हो जाती है। तो हमें जब भी वाणी बोलनी है, बात करनी है, तो मधुरता से करनी चाहिए। किसी को लगे ना, अपशब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाला भी आपको उसी शैली में आपका जवाब दे सकता है। तो ये था कबीर का हमारा तीसरा दोहा। अब है चौथा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो हम बड़े चीज को, बड़े चीजों को महत्व देते हैं, छोटी चीजों को उतना महत्व नहीं देते। उसमें महत्व देने पे उन्होंने कहा है। तो हम अपने चौथे, आप इसे नोट कर लीजिए, तीसरा हमारा दोहा है। एक बार मैं दोहरा भी देता हूं ताकि आप आराम से इसे नोट कर सकें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। इसका अर्थ है हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर सभी मन से प्रसन्न हो जाए। यह वाणी दूसरों को सुख या आनंद तो देती ही है, उसे बोलने वाला भी सुख या आनंद का अनुभव करता है। तो ये था हमारा तीसरा दोहा। अब हम अपने चौथे दोहे की तरफ चलते हैं। चौथा है दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे लागे अति दूर। तो हमने इसको बताया है, इसमें जो बड़ा, हम बड़े को अधिक महत्व देते हैं, तो बड़ा हो जाने से कोई चीज़, बड़ी चीज़ को ही अधिक महत्वपूर्ण नहीं मान लेनी चाहिए कि वह बड़ा है तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही ज़रूरी होता है। यह बात इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने लोगों को बताई है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अधिक। जैसे कि खजूर का पेड़ देखने में बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो किसी काम का नहीं,
क्यों क्यों? बड़ा तो बहुत है, सभी पेड़ों से ऊंचा होता है, बहुत लंबा होता है, और वो किसी काम का क्यों नहीं? क्योंकि उसकी जो छाया होती है बहुत कम होती है वहां पे, उसमें पत्ते काफी कम होते हैं, उसका आकार बहुत लंबा होता है। आपने खजूर का पेड़ देख रखा है, उसकी जो उसका तना होता है बहुत लंबा होता है, और ऊंचाई पे जाके कुछ पत्ते होते हैं और फल भी लगते हैं। ऐसी बात नहीं कि खजूर के पेड़ में फल नहीं होते, तो उसका इतने बड़े पेड़ का क्या फायदा है? जबकि वो पंथी, मतलब कोई राहगीर, कोई यात्री जो है वो उस पेड़ का छाया भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें पत्ते बहुत कम होते, छाया भी बहुत कम बनती है। तो कोई खजूर के पेड़ के नीचे रुकता नहीं है छाया के लिए, खासकर कोई राहगीर, कोई यात्री। पंथी का मतलब है राहगीर या यात्री, और उसका फल बहुत दूर लगता है, इतनी ऊंचाई पे होता है कि वहां तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। तो केवल विशाल या लंबा हो जाने से, बड़ा हो जाने से ही कोई महत्वपूर्ण नहीं बन जाता अगर वह किसी के काम नहीं आ सकता। तो हमें केवल आकार देखकर या बड़ा देखकर किसी को महत्वपूर्ण नहीं मान लेना चाहिए। अगर वह आपके काम का या किसी के काम का नहीं है तो वह महत्वपूर्ण भी नहीं। जैसे कि खजूर का पेड़ देखने में तो बहुत ऊंचा और बड़ा होता है, लेकिन उसे न यात्रियों को छाया मिलती है न फल मिलता है, क्योंकि फल तो बहुत दूर लगा होता, वहां तक तो पहुंचा भी नहीं जा सकता, और उसकी छाया भी बहुत कम होती है। इसीलिए कोई यात्री खजूर के पेड़ में के नीचे छाया के लिए नहीं रुकता है। तो इससे हमें क्या पता चला है? हमें पता चला कि केवल आकार में बड़ा हो जाना ही महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, हमें उसका महत्व भी समझना चाहिए। तो ये हम इसका अर्थ लिखते हैं। अर्थ है आकार में, आकार में ऊंचा या बड़ा, ऊंचा या बड़ा हो जाने से, बड़ा हो जाने से कोई महत्वपूर्ण, कोई महान या महत्वपूर्ण, दोनों लिख सकते हैं, महान या महत्व पूर्ण नहीं हो जाता, नहीं हो जाता जब तक, नहीं हो जाता जिस प्रकार खजूर का पेड़, खजूर का पेड़ भले ही, ऊंचा और बड़ा लगे, ऊंचा और बड़ा लगे, खजूर का पेड़ भले ही ऊंचा और बड़ा लगे, लेकिन यात्री को
छाया ही दे सकता है, छाया ही, न तो यात्री को छाया ही दे सकता है, दे सकता है, और उसका फल भी, और उसका फल भी बहुत दूर लगता है, बहुत दूर होने के कारण, होने के कारण प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, पूर्णिमा। तो इसके अंदर इस दोहे के माध्यम से हम कहेंगे कबीर ने हमें बड़े और ऊंचे को महान या महत्वपूर्ण नहीं समझने की सलाह दी। हम लोगों का एक आदत होती है कि हम जिसे ऊंचा देखते हैं, बड़ा देखते हैं, उसको ही महान और महत्वपूर्ण मान लेते हैं। तो कबीर यही बात हमें सभी लोगों को समझाते हैं कि आप किसी को बाहरी ऊंचाई, आकार से, ऊंचाई से किसी को बड़ा मत या महान मत मान लो। अगर वह, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताया कि जैसे खजूर का ही पेड़ ले लीजिए, खजूर का पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है, सभी पेड़ों से ऊंचा होता है, लंबा होता है, आपने देखा है, लेकिन वह किसी काम का नहीं होता। क्यों क्यों किसी काम का नहीं होता है? क्योंकि वह यात्री को, जो यात्री राहगीर जो जा रहे हैं, उनको ना तो ये छाया दे पाता है, उसकी छाया बहुत कम होती है। कभी आपने गौर किया हो खजूर की पेड़ की जो छाया जो है, ऊंचाई होने के कारण उसके कुछ पत्ते ही होते हैं, छाया तक नहीं ढंग की होती, और उसका फल तो इतना ऊंचाई पे होता है कि कोई ना पहुंच सकता है ना वहां से प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा ऊंचा, बड़ा और महान होने का क्या फायदा जो किसी के काम ना आ सके। हमें केवल आकार देखकर, ऊंचाई देखकर किसी को बड़ा या महान नहीं मान लेना चाहिए। यदि वह, हम कहेंगे यदि वह किसी के काम नहीं आता है तो वह महान भी नहीं है, बड़ा होने से ही महान नहीं हो जाता। तो ये था हमारा दोहे का सार। हमने एक बार इसको क्या लिखा है इसे पढ़ करके भी बता देते हैं, आपको इसे नोट करना है। तो सबसे पहले है हम अपना दोहा पढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसमें पेड़ खजूर की पेड़ का उदाहरण दिया है। दोहे में एक खासियत होती है, एक सीख दी जाती है और उसमें एक उदाहरण भी छुपा होता है। तो पहले सीख दी गई कि बड़े को ही हमें महान और महत्वपूर्ण नहीं मान लेना चाहिए, और उदाहरण दिया गया जैसे कि खजूर का पेड़ होता है, वह न यात्रियों को छाया देता है, न फल उसका भी, फल भी बहुत दूर लगता है, मतलब किसी काम का नहीं। तो इसी का है, आकार में ऊंचा या बड़ा हो जाने से कोई महान या महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। ये बहुत, इसका अर्थ है, हमारे दोहे का अर्थ है, आकार में ऊंचा या बड़ा हो जाने से कोई महान या महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। जिस प्रकार खजूर का पेड़ भले ही ऊंचा और बड़ा लगे, लेकिन वह न तो कोई यात्री को छाया दे सकता है और न उसका फल भी बहुत दूर होने के कारण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था हमारा चौथा जो दोहा था उसका भावार्थ। तो हमने इसके चार दोहों को पढ़ लिया है। आज आपका गृह कार्य क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। आज हमने दो दोहे करवाए हैं कबीर के, इन दोनों को नोटबुक में लिखना है और उनके अर्थ को भी नोट करना है, इसीलिए मैं साइड हट गया हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें। तो आपका गृह कार्य क्या है
आपको आज की जो दो दोहे मैंने लगाए, तीसरे और चौथे, इन सबको नोटबुक में लिखना है, उसका अर्थ लिखना है और उसे याद भी करना है। आज के लिए बस इतना ही।